हेलो एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री फ्रॉम द एक्सरसाइज एट पॉइंट थ्री ऑफ क्लास सेवन सो आर क्वेश्चन नंबर थ्री इज द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्राम दिस टू दिस फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज राइट क्वेश्चन इज सिटी की पॉपुलेशन पहले इतनी थी अब कम हो के इतनी हो गई है राइट right? जैसे पहले यहाँ पे मान लो uh, ये आपको दे रखी है किसी चीज़ की सीपी और ये सेल कर दी दिस इज एस पी इतने की ली इतने की सेल कर दी और क्या हुआ फिर लॉस हुआ है ना लॉस परसेंट निकालना है सेम वैसा ही है बस उसने यहाँ चेंज कर दिया कहता पहले पॉपुलेशन कितनी थी इतनी थी अब डिक्रीज होके कितनी हो गई है इतनी हो गई है तो कहता कितने परसेंट डिक्रीज हुई है दैट वी हैव टू फाइंड Right. So write down the decreased population from twenty-five thousand to two double sorry two four five double zero. पॉपुलेशन इतनी थी अब डिक्रीज होके कितनी हो गई है इतनी हो गई है तो कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है वो फाइंड करना है पॉपुलेशन डिक्रीज पॉपुलेशन डिक्रीज कैसे पता चलेगा माइनस करके सो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में से इसे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे कितना आएगा माइनस करके हमारे पास आएगा फाइव हंड्रेड राइट अब ये तो डिक्रीज गई अब डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है हमें है ना डिक्रीज परसेंटेज जिससे वहां करते थे लॉस अपॉन या प्रॉफिट है तो प्रॉफिट अपऑन सीपी अब यहाँ पे भी क्या करेंगे अब जितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है पॉपुलेशन डिक्रीज्ड राइट अपॉन यहाँ पे ओरिजिनल जो पहले थी हमारे पास पॉपुलेशन ओरिजिनल ये हो गई पॉपुलेशन डिक्रीज ओरिजिनल पॉपुलेशन इनटू क्या करेंगे हम लोग हंड्रेड राइट अब पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हुई थी फाइव हंड्रेड ओरिजिनल कितनी थी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू क्या करना है जीरो से दो जीरो इधर चलो इसको नहीं वाली को कट करते हैं। ये जीरो से ये जीरो 25 और यहां 50, 25 के पे, पे और के टेबल पे 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 ये गया तो कितना आ गया टू परसेंट इज द आंसर दिस इज आर क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ एक्सरसाइज एट पॉइंट थ्री राइट सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर अरुण बोट अ कार फॉर रुपीज़ थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड द नेक्स्ट ईयर द प्राइज वेंट अप टू रुपीज़ थ्री था थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड वट वॉज़ द परसेंटेज ऑफ प्राइज इंक्रीज अब यहाँ पे क्या हुआ अरुण ने एक कार बाय करी इतने रुपीज़ की और नेक्स्ट ईयर कहता है इसका प्राइस चला गया यहाँ पर तो कहता है आप बताओ कि उसका प्राइस कितना इंक्रीज़ हुआ अभी ऐसे होता है ना कई बार हम जब मार्केट में कोई चीज़ देखते हैं तो पहले वो सस्ती होती है लेकिन अगर वही चीज़ कुछ दिनों के बाद कुछ महीनों के बाद देखें उसका जो प्राइस है वो क्या हो जाता है इंक्रीज़ हो जाता है तो अब उसने पूछा है कि कितना प्राइस इंक्रीज़ हुआ है सेम क्या होगा ये भी मान लो ये सी है ये एस है तो माइनस करके क्या होगा ये बड़ी हुई है ना तो यहाँ पे एक तरह से क्या हो गया हमारे पास अगर मैं देखूँ तो प्रॉफिट परसेंट अब यहां उसने इसको क्या नेम दे दिया प्राइस इंक्रीज तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज ऑफ इंक्रीज प्राइस राइट सो लेट्स स्टार्ट करना वही है सेम जैसे यहाँ पे डिक्रीज अमाउंट करी थी पॉपुलेशन अपॉन ओरिजिनल करी थी यहां पे भी क्या करेंगे इंक्रीज अमाउंट करेंगे अपॉन ओरिजिनल करेंगे इन टू हंड्रेड Now we have question number four. We will write here increased in increased in price of a car from three rupees three lakh fifty thousand two rupees three lakh seventy. थाउजेंड ये लिखा कि जो कार का प्राइस था यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया इंक्रीज़ हो गया सो देअ फोर इन अमाउंट इंक्रीज और अमाउंट चेंज कितनी अमाउंट चेंज हुई है कैसे पता चलेगा रुपीज़ थ्री सेवेंटी थाउजेंड माइनस रुपीज़ थ्री फिफ्टी थाउजेंड माइनस करो कितना आ जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड आ जाएगा हमारे पास राइट right? इतनी अमाउंट चेंज हो गई मतलब पहले प्राइस इतना था के इतना हो गया मतलब कितना चेंज आ गया इतना चेंज आ गया अब दो क्या निकालना है इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं अमाउंट चेंज अमाउंट ऑफ़ चेंज अपॉन औरिजिनल अमाउंट इनटू क्या करना है हमें हंड्रेड राइट right? अब अमाउंट चेंज कितना हुआ ट्वेंटी थाउजेंड और ओरिजिनल कितना था थ्री लाख अमाउंट चेंज ट्वेंटी थाउजेंड और ओरिजिनल जो स्टार्टिंग वाला था वो क्या था हमारे पास ओरिजिनल था और इनटू क्या करना है हमें हंड्रेड करना है राइट तो दो ज़ीरो से यहाँ दो ज़ीरो कैंसिल हो गई ये दो ज़ीरो के साथ ये दो ज़ीरो कैंसिल हो गई अभी अगर कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर लो ये दो ज़ीरो के साथ ये दो ज़ीरो कैंसिल ये दो ज़ीरो के साथ हमने करी ये दो ज़ीरो कैंसिल राइट यही हुआ यहाँ मैंने एक ज़ीरो कम लगाई है ना नहीं सही लगाइए ये मैंने एक्स्ट्रा कटिंग कर दी यहाँ पे ये तो मैं पहले ही कर दो जीरो के साथ ये दो ज़ीरो दोबारा कर रही हूँ नीचे देखो यहाँ था ना ट्वेंटी थाउजेंड इन टू हंड्रेड परसेंट अपॉन फिफ्टी थाउजेंड दो से ये दो ज़ीरो कैंसिल ये दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो ये बचा है मेरे पास सब टू ज़ीरो ज़ीरो और थर्टी फाइव अब फाइव के टेबल पे इसकी कटिंग पॉसिबल है तो मैं कटिंग करती हूँ फाइव फोर सा ट्वेंटी फिर पीछे ज़ीरो फाइव सेवन सा है ना अब इसको डिवाइड करो जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी वो हमारे पास बनेगी ये देखो फाइव सेवन सा थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस फाइव कितना हो गया फोर्टी फोर्टी बाई सेवन तो ये हमारी हो गई इंक्रीज परसेंटेज राइट दिस इज आंसर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फाइव नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है आई बाय अ टीवी फॉर रुपीज टेन थाउजेंड कहता मैंने एक टीवी बाय किया इतने रुपीज का और सेल कर दिया इतने प्रॉफिट पे ओरिजिनल प्राइस ये हो गया सेल किया किस पे इतने प्रॉफिट पे ये नहीं बताया कि इतने रुपीज एक्स्ट्रा दिए जैसे हम लोग पहले हमें टेन थाउजेंड का ख़रीदा था, आगे इलेवन का सेल किया ट्वेल्व थाउजेंड का किया थर्टीन थाउजेंड का ऐसे नहीं बताया आगे हम लोग ये चीज़ फाइंड करते थे फर्स्ट पार्ट में यही किया कि सीपी दे रखी है एसपी दे रखी है प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालते हैं यहाँ पर क्या किया अब सीपी दे रखी है प्रॉफिट परसेंट दे रखा है और कहता हाउ मच डू आई गेट फॉर इट मतलब उसको कितने पैसे मिले होंगे टीवी के लिए मतलब हमें क्या निकालना है एसपी निकालना है राइट सबसे पहले क्या करेंगे दिस इज आर क्वेश्चन नंबर फाइव द कॉस्ट ऑफ द सीपी ऑफ टीवी कितनी है रुपीज टेन थाउजेंड टीवी कितने का था इतने का प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ उससे प्रॉफिट इतना जब भी भी कभी प्रॉफिट लगाना हो ना अब प्रॉफिट निकालना है प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है जब परसेंटेज दे रखी हो तो ये हमेशा सीपी पे लगनी है ये बात भी ध्यान रखनी है अब ये सीपी है और ये प्रॉफिट परसेंट है अब प्रॉफिट मुझे निकालना है रुपीज़ में प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पे लगेगा सीपी पे लगेगा राइट तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ टेन थाउजेंड ट्वेंटी परसेंट का मतलब ट्वेंटी बाई हंड्रेड ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन और यहाँ आ गया टेन थाउजेंड दो जीरो से यहाँ दो जीरो क्या हो गई कैंसिल टू इंटू वन टू वन टू थ्री तीन जीरोज़ बच गई तो मतलब उसको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ इतने रुपीज़ का अब देखो एसपी निकालना एस पी कैसे निकालते हैं सीपी प्लस प्रॉफिट करके क्योंकि जितना उसको जिस जितने में उसको बाय किया प्लस जितना उसको प्रॉफिट हुआ तो सी तो उसकी थी ये इतने रुपीज़ की प्लस इतना उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया तो इन दोनों को प्लस करके कितना आया उसका ट्वेल्व थाउजेंड सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव क्या याद रखना है आपको जब भी कभी सीपी प्रॉफिट दे, दे रखा हो लॉस दे रखा हो वो किस पे लगाना है सीपी पे लगाना है आगे कई क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे हमें लॉस या प्रॉफिट दे रखा होगा तो हम उसे सीपी पे लगा के सॉल्व करेंगे और सीपी ना दे रखी होगी तो वहाँ पे एक्स सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर नहीं दे रखी होती तो क्या लिखते एक्स ट्वेंटी परसेंट ऑफ एक्स हमेशा लॉस और प्रॉफिट किस पे लगाना है सीपी पे लगाना है ये बात आपको याद रखनी है राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन को uh, Till 5, we have done next questions 6 to. I think so. There are 10 questions in this exercise. So, next question we will do in our next lectures. 11 questions are there. No issues, we will do in our next lectures. Right? Thank you.